इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ को लौड़े पर रखते हैं, पर इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब जिंदगी वापस इनके लौड़े लगाने आती है तब इन्हें रोना भी है, इनसे बर्दाश्त भी नहीं होता। अरे न्यूटन का लॉ नहीं पढ़ा है क्या? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। खैर छोड़ो, हम क्या कह रहे हैं ऐसे नहीं समझा पाएंगे, आप खुद देख लो। द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी फॉल। तो ये है बैकी, ये डैन और ये हंटर। इन्हें खतरों से खेलना बहुत पसंद है, ऐसा समझ लो बिना अपनी जान को हलक तक लाए इन्हें रातों को नींद नहीं आती। तो यहाँ ये लोग इस बार कुछ नेक्स्ट लेवल करने के चक्कर में इस माउंटेन क्लाइंबिंग पर आए हैं, पर किस्मत हर बार आपके साथ हो ऐसा जरूरी नहीं। आधे रास्ते में एक छोटी सी लापरवाही के चलते डैन नीचे गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। और क्योंकि डैन बैकी का पति था तो अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरता देख उसकी मौत बैकी को पहली बार असली डर से वाकिफ करवाती है, जिसके बाद महीनों गुजर जाते हैं पर बैकी सदमे से बाहर नहीं आ पाती। यहाँ तक कि अब उसे सोने से भी डर लगता था क्योंकि सपनों में वही हादसा हर बार उसकी आंखों के सामने आ जाता था। बैकी की हालत देखकर उसके पिता उसे समझाने भी आते हैं कि वो अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि डैन अगर उसकी जगह होता और वो डैन की जगह होती तो वो अब तक उसे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होता। पर यहाँ दुनिया के बाकी बच्चों की तरह बैकी भी अपने पिता की नहीं सुनती और उनकी बातों पर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो कोई विलन हो। पर क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं छोड़ सकते, तो ये भी उसे ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं कि लाइफ में कभी भी उसे उनकी जरूरत पड़े तो वो उन्हें बेझिझक याद कर सकती है, वो उसकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। वैसे यहाँ बैकी के पिता इसकी डायरेक्ट मदद तो नहीं पर इनडायरेक्ट मदद जरूर कर देते हैं। वो हंटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी दोस्त होने के नाते वो भी एक बार ट्राई करे, जिसके बाद यहाँ होता यह है कि हंटर बैकी को मोटिवेट कर अपने साथ ले जाती है एक नए एडवेंचर पर, जो कि रहता है एक 2000 फीट ऊंचा वीरान पड़ा हुआ रेडियो टावर, ताकि वो उनके पिछले हादसे से जन्मे अपने ऊंचाई के डर को खत्म कर सके। हालांकि बैकी शुरुआत में हंटर को इसके लिए बहुत मना करती है, पर दुनिया की बाकी मोटिवेशन एक तरफ और एक दोस्त की बातें एक तरफ, दोस्त ने अगर एक बार ठान लिया तो वो आपको जहन्नुम भी जाने के लिए मना लेगा। तो यहाँ बैकी और हंटर रेडियो टावर पहुंच जाते हैं, हालांकि टावर को करीब से देखने पर इन दोनों की फट जाती है, पर क्योंकि हंटर एक यूट्यूबर भी रहती है तो डर गया तेल लेने, कॉन्टेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। जिसके बाद बस फिर क्या, दोनों थरथराते हुए चढ़ जाते हैं उस टावर पर, और जितना ऊंचा ये टावर नीचे से लग रहा था ऊपर जाने के बाद वो उससे दोगुना ऊपर लगता है। टावर की हाइट सच में बहुत ज्यादा थी, पर क्योंकि ये मोमेंट इनके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम वाली थी तो हंटर अपने वीडियो के लिए यहाँ खुद तो पागलों वाली हरकत करती ही है, साथ में बैकी का डर पूरी तरह से खत्म करने के लिए उससे भी स्टंट करवाती है। और कुछ देर ये सब करने के बाद हंटर बैकी से डैन की अस्थियों को यहाँ से विसर्जित करवा देती है ताकि बैकी उसकी यादों से भी छुटकारा पा सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और यहाँ हंटर का इतना सब कुछ करने के पीछे का प्लान कामयाब भी होता है। बैकी फिर से अपनी पुरानी लाइफ में आकर बहुत खुश होती है और मेंटली अस्टेबल भी हो जाती है, पर क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पहले इन्हें नीचे भी तो उतरना पड़ेगा, तो कुछ देर ऊपर बिताने के बाद ये लोग नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जैसा कि हम कहते हैं, नियति किसी की सगी नहीं होती, तो यहाँ इनके साथ होता यह है कि ये ऊपर आए तो अपनी मर्जी से थे पर अपनी मर्जी से नीचे जा नहीं पाते। सालों से बिना मेंटेनेंस के वीरान पड़ी होने की वजह से ये जंग खाई हुई टावर बैकी के पैर रखते ही अपनी सीढ़ियों को संभाल नहीं पाती और पूरी की पूरी सीढ़ी टूटकर गिर जाती है। हालांकि बैकी किसी तरह बच जाती है, पर अब ये दोनों 2000 की फीट पर एक छोटे से बेस के सहारे बीच आसमान में फंस जाते हैं। हालांकि इस तरह की सिचुएशन के लिए इस जगह पर एक दूरबीन और एक फ्लेयर रखे हुए थे, पर क्योंकि ये टावर सालों से बंद था तो इतनी सी मदद इस वक्त इनके लिए किसी मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था। पर क्योंकि हार मानना भी इस वक्त ऑप्शन में नहीं था, तो जो पास में है उसी से ये लोग अब आगे क्या कर सकते हैं वो सोचते हैं। और ढूंढने पर इन्हें एक उम्मीद भी मिलती है। दरअसल हंटर देखती है कि टावर पर चढ़ने से पहले उसने ट्विटर पर जो पोस्ट किया था उसकी लास्ट अपडेट टावर के मिड में ही कहीं हुई थी, यानी कि ऊपर ना सही पर बीच में कहीं नेटवर्क जरूर था। और क्योंकि हंटर के फॉलोवर्स बहुत सारे थे तो ये लोग एक मैसेज लिखकर कि इन्हें मदद चाहिए सेंड पर लगा देते हैं और रस्सी के सहारे मोबाइल को जितना नीचे हो सके उतना ले जाते हैं। हालांकि इनका ये आइडिया काम नहीं करता, पर क्योंकि फिलहाल यही इनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी तो हंटर अपने एक जूते में फोन को भरकर उसे जितना पैक कर सकती थी करती है और जूते को नीचे फेंक देती है ताकि मोबाइल जाए तो जाए, कम से कम मैसेज सेंड हो जाए और कोई इनकी मदद के लिए आ जाए। यहाँ इनका ये प्लान था तो एकदम परफेक्ट, पर जूता अच्छे से टाइट ना होने की वजह से नीचे गिरते ही खुल जाता है और मोबाइल टूट जाती है। वैसे मोबाइल से ना सही, पर इस दौरान इनकी उम्मीद दोबारा जगती जरूर है। दरअसल जूता फेंकते वक्त इन्हें वहां एक आदमी दिखता है,
हालांकि एट अ टाइम ना तो वो इन्हें देख पाता है ना इनकी आवाज उतनी दूर से इस तक पहुंच पाती है। पर क्योंकि इनके पास दूरबीन थी तो ये कम से कम ये देख लेते हैं कि वो आदमी टावर से कुछ ही दूर पर कैंपिंग कर रहा है और वो अकेला नहीं है। जिसके बाद ये दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और रात होते ही सही मौका देखकर मदद वाली फ्लेयर चला देते हैं। फ्लेयर चलते ही उनकी नजर इन पर पड़ जाती है जिसके बाद वो तुरंत इनकी कार के पास पहुंच जाते हैं। पर इनकी किस्मत खराब रहती है जो उनकी नजर इन पर पड़ती है। इनकी कार को देखकर इनमें से एक की नीयत खराब हो जाती है और वो लोग जान के बदले पैसों को ज्यादा अहमियत देते हैं। वो लोग इन्हें छोड़कर इनकी कार को चुरा कर यहां से भाग जाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो इनकी बुरी किस्मत की शुरुआत ही हुई थी। घबराहट में ये लोग अपना बैग भी गिरा देते हैं जिसमें खाना ना सही, कम से कम पानी और एक ड्रोन तो था। कम से कम ड्रोन की मदद से ये लोग किसी और को तो बुला सकते थे। खैर, जैसा कि मैंने कहा, ये अभी बस शुरुआत थी। तो अब आगे ये होता है कि टाइम पास के लिए जब बैकी अपनी शादी की वीडियो देख रही थी तो उसमें उसकी नजर हंटर पर पड़ती है और वो देखती है कि वीडियो में हंटर खुश नहीं दिख रही। और इसी दौरान फिर उसकी नजर हंटर के टैटू पर पड़ती है। दरअसल डैन की आदत थी, वो कभी बैकी को लव यू नहीं कहता था, इसके बदले वो नंबर्स कहता था और यहाँ वही नंबर हंटर ने टैटू करवा रखा था। तो अब यहाँ होता यह है कि टैटू देखकर बैकी कंफर्म हो जाती है कि डैन और हंटर ने उस पर चीट किया था। और उसे और बुरा तब लगता है जब पूछने पर हंटर इसे बताती है कि डैन ने ही उसे उकसाया था। हालांकि हंटर ये भी कन्फेस करती है कि उसने अपनी दोस्ती के लिए डैन को फिर छोड़ दिया था। पर सच्चाई जानने के बाद बैकी हंटर से काफी नाराज रहती है और इसे अपने पिता की बात याद आ रही होती है कि उन्होंने ठीक ही कहा था, वो बेकार में डैन के लिए अपनी लाइफ पर बात कर रही थी। खैर, रात बीत जाती है, दोनों भूख और प्यास से बेहाल हो रहे होते हैं और बैकी का हाल थोड़ा ज्यादा ही बेहाल रहता है। यहाँ बैकी की हालत हंटर से देखी नहीं जाती और क्योंकि उनकी ये हालत उसकी ही वजह से हुई थी तो हंटर यहाँ अपने बैग को वापस लाने का डिसाइड करती है। दरअसल बैग टावर के डिस्क पर ही अटकी हुई थी जो इनसे थोड़ी ही नीचे थी। तो यहाँ हंटर रस्सी की मदद से किसी तरह वहां तक पहुंच जाती है, पर वो रस्सी ज्यादा बड़ी नहीं थी तो यहाँ रस्सी छोड़ने के बाद उसे वापस पकड़ना ना के बराबर ही था, पर नामुमकिन नहीं था। तो हंटर यहाँ दिमाग लगाती है जिसके बाद पहले वो बैग को रस्सी में फंसाती है और फिर खुद उसकी मदद से रस्सी तक पहुंच जाती है। पर काम अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी ऊपर तक पहुंचना बाकी था। तो यहाँ हंटर और बैकी दोनों प्लान बनाते हैं कि एक तरफ से ये ऊपर चढ़ेगी और दूसरी तरफ से वो उसे ऊपर खींचेगी, जिसके बाद दोनों अपनी पूरी ताकत से ऐसा ही करते हैं। पर जैसे ही हंटर पहुंचने ही वाली होती है कि उसका हाथ छूट जाता है और वो गिर जाती है। हंटर के गिरते ही बैकी फट जाती है क्योंकि डैन भी ऐसे ही गिरा था। पर किसी तरह जब वो हिम्मत कर नीचे देखती है तो पाती है कि हंटर वापस बैग पर लटक कर बच गई है। हंटर को सही सलामत देखकर बैकी की जान में जान आती है जिसके बाद वो अकेले हंटर को किसी तरह ऊपर खींच लेती है। और इसकी एक कारण ये भी रहती है कि अचानक रस्सी छूटने की वजह से उसके हाथ जख्मी हो गए थे। खैर, बैग को वापस लाने का भी इन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि पानी जल्द खत्म हो जाती है और ड्रोन को उड़ाते ही उसकी बैटरी डेड हो जाती है। और अब इनके पास कुछ बची थी तो वो थी हिम्मत और एक दूसरे का साथ। इस वक्त बैकी के लिए हंटर किसी फरिश्ते से कम नहीं थी, वो इसे हर पल मोटिवेट कर रही थी कि वो जल्द ही सही सलामत नीचे उतरेंगे, साथ में घूमने जाएंगे, सारी मस्ती करेंगे। हालांकि एक टाइम के बाद हंटर के मोटिवेशन भी बैकी पर बेअसर होने लगे थे, उसे वापस बुरे सपने आने लगते हैं और इस बार वो देखती है कि हंटर को गिद्ध नोच कर खा रहे हैं। हालांकि इस दौरान हंटर इसे उठा देती है जिसके बाद ये किसी तरह खुद को संभालती है। और क्योंकि हार मानना ऑप्शन में नहीं था क्योंकि गिद्ध इन्हें खाना ना सही, पर इनके ऊपर मंडराना शुरू जरूर हो गए थे। तो इस बार बैकी अपना दिमाग दौड़ाती है और इसे याद आता है कि हंटर ने इसे एक बार बल्ब के कनेक्शन से मोबाइल चार्ज करना सिखाया था, तो यहाँ ये उसी तरीके से ड्रोन को चार्ज करने का आइडिया सोचती है। दरअसल ये लोग जहाँ थे इनके 30 फीट और ऊपर एक बल्ब थी जो जनरली किसी भी टावर के टॉप पर रहती है, पर क्योंकि हंटर के हाथ जख्मी थे तो इस बार आइडिया के साथ साथ मेहनत भी बैकी ही करती है। हालांकि काम बहुत मुश्किल था पर किसी तरह ये ड्रोन को चार्ज कर ही लेती है। पर अफसोस, इतना करने के बाद भी किस्मत इनका साथ देने को तैयार ही नहीं होती। ड्रोन को ये लोग सही सलामत उड़ाकर ले तो जाते हैं पर रोड पर पहुंचते ही वो ड्रोन ट्रक से टकराकर टूट जाती है। अब मदद के सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद हार मानने से पहले बैकी एक आखिरी बार ट्राई करने का डिसाइड करती है। बैकी का फोन अभी भी उसके पास ही था तो वो फाइनली अपने पापा को मैसेज करती है। हालांकि मैसेज सेंड नहीं होता क्योंकि नेटवर्क नीचे जमीन पर था, तो वो मैसेज सेंड में लगाकर हंटर से उसके दूसरे पैर का जूता मांगती है कि इस बार वो जूते को अच्छे से टाइट कर नीचे फेंकेगी। बैकी की बात सुनकर हंटर उससे कहती है हाँ जरूर, पर एक दिक्कत है, वो उसे जूता कैसे देगी, उसे याद नहीं वो तो नीचे है ना। हंटर की बात सुनकर बैकी उसे दिखाती है कि नहीं तो उसका जूता तो उसके पैर में ही है। तो हंटर कहती है हाँ तुम्हारी बात सही है, मेरा जूता मेरे पैर में ही है, पर मैं तो नीचे हूं ना, तो मैं यहाँ ऊपर तुम्हें जूता कैसे दूं। अब यहाँ बैकी इसके आगे कुछ कहती उससे पहले हंटर इससे फिर से कहती है बैकी टाइम आ गया है, एक्सेप्ट कर लो, मैं ऊपर नहीं पहुंच पाई थी, रस्सी से हाथ छूटने के बाद मैं बैग पर नहीं बल्कि उस डिस्क पर गिरी थी।
हंटर की बात सुनकर बैकी फुट फुट कर रोने लगती है। दरअसल डैन के जाने के बाद जब हंटर भी उसी तरह से जाती है तो उसका दिमाग हंटर की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और ये हेलुसिनेट करने लगता है कि हंटर बचकर आ गई थी और वो पूरे वक्त इसके साथ ही थी। हालांकि इसे बीच में सपने भी आए थे कि हंटर को गिद्ध खा रहे हैं, पर फिर भी ये मानना नहीं चाह रही थी। खैर, पूरी तरह से रियलिटी में वापस आने के बाद बैकी डिसाइड करती है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगी और हंटर ने उसके जिस डर को खत्म करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, वो उसके उस सैक्रिफाइस को बर्बाद नहीं जाने देगी। तो अब यहाँ होता यह है कि जो गिद्ध हंटर को खा रहे थे ये उसी गिद्ध को मारकर पहले अपना पेट भरती है और फिर किसी तरह हंटर के पास पहुंचकर अपने फोन को उसके पेट में डालकर नीचे गिरा देती है ताकि इस बार फोन टूटे ना। और इस बार इसकी मेहनत कामयाब हो ही जाती है। नीचे जाते ही फोन में नेटवर्क आ जाता है और मैसेज सेंड हो जाता है और आखिर में इसके पिता इसे बचा लेते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।